नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हंसराज सिंह। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्टिफिकेट के बारे में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया जा रहा है, जो कि एक प्लेज के लिए दिया जा रहा है। सिर्फ आपको एक प्लेज यानी कि प्रतिज्ञा लेनी है और आपको ये सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। इसमें केवल आपको 5 मिनट का समय लगने वाला है, तो आप भी इसी सर्टिफिकेट को प्राप्त करने वाले हैं जस्ट इन 5 मिनट्स। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में इस वीडियो को एडवांस में लाइक कर लीजिए। यह वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों देख सकते हैं, भारत सरकार का लोगो है, यहाँ पर बगल में माई गवर्नमेंट यानी कि मेरी सरकार जो है उसका लोगो भी है, जहाँ पर प्लेज लिखा हुआ है। इसके बाद नीचे हम देखते हैं सर्टिफिकेट यूथ प्लेज, दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, हैज़ टेकन द यूथ प्लेज एंड विल रिमेन कमिटेड टू रेंडर सर्विस टू द नेशन। यहाँ पर सबसे नीचे आप देखेंगे आपको एक बारकोड मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसको बारकोड कहते हैं, क्यूआर कोड अलग होता है। तो बारकोड के साथ में आपको एक क्रमांक दिख जाता है, जो कि स्पेशली आपके सर्टिफिकेट के लिए होता है। यदि आप इसको वेरीफाई करेंगे तो कहीं ना कहीं मैं जहां तक इसको जान पाया हूं और लिंक कर पाया हूं, इसको जैसे ही आप स्कैन करते हैं, तो स्कैन करने के बाद में जो नंबर इसके ऊपर लिखा हुआ है वही नंबर शो होता है, और शायद ये किसी भी वेबसाइट के ऊपर आपको रिडायरेक्ट नहीं करता है, जस्ट ये नंबर वेरीफाई करने के लिए होता है। जो क्रमांक आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है 5927362433, तो इसको आप स्कैन करेंगे तो यही नंबर आपको मिल जाएगा। और ये नंबर जो होता है वो नंबर होता है आपका विजिटर नंबर, यानी कि जब आप प्लेज ले रहे थे तो इस वेबसाइट पर आप विजिट करने वाले इस क्रमांक के बंदे थे, ठीक है। तो वही क्रमांक आपको यहाँ पर सिंपली दे दिया जाता है, और जिस डेट में आप इस सर्टिफिकेट को प्राप्त करते हैं उस डेट का भी यहाँ पर मेंशन किया जाता है। जैसे कि इस सर्टिफिकेट को जून 2020 के तारीख 3 को प्राप्त किया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पर कोई भी साइन करने का ऑप्शन नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें जो गवर्नमेंट का जो लोगो है, ऑफिशियल लोगो भारत सरकार का अशोक चिन्ह, वो यहाँ पर मेंशन है सबसे ऊपर। इसके बाद में नीचे क्या लिखा है हम देख लेते हैं। सबसे नीचे इसके जो एड्रेस लिखा हुआ है इसका, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, सी विंग, शास्त्री भवन, न्यू दिल्ली 110001, वेबसाइट www.yas.nic.in। तो सभी जो यहाँ पर वेबसाइट हैं और एड्रेस हैं सभी ऑफिशियल हैं, और जो भी ये मिनिस्ट्री का मुख्यालय है वहाँ का एड्रेस ये आपको दिया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम इसी सर्टिफिकेट का हिंदी वर्जन देखना चाहें तो कुछ इस तरीके का रहता है हिंदी वर्जन, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये इसमें लिखा हुआ है युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय शपथ पत्र, युवा शपथ, तो स्पेशली इसको युवाओं के लिए डिजाइन किया गया है। प्रमाणित किया जाता है कि यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, जो भी इसको करता है उसी का इसमें नाम होता है। साथ ही साथ कुछ एसेंशियल चीज़ों की आपको जानकारी इसमें देनी होती है, जैसे कि नाम, मोबाइल नंबर, सैल्यूटेशन वगैरह। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से ये काम करता है। और नीचे इसमें लिखा हुआ है आपके नाम के बाद में ने युवा शपथ ली और वे राष्ट्र की सेवा के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे या रहेंगी। नीचे एड्रेस हिंदी में है, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, सी विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली, ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं वेबसाइट पर, जो भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके लिए हम सबसे पहले गूगल पर जाएंगे, गूगल पर हम लिखेंगे प्लेज PLEDGE.mygov.in, इसको हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हम इस तरीके से वेबसाइट पर आ जाते हैं। वेबसाइट पर आने के बाद में हम देखेंगे कि जो भी थीम या थंबनेल है वो किस तरीके का है, तो हमें उसी वाले पर जाना है जो हम सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहते हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे आप, स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आपको इस तरीके से कई सारे इसमें मिल जाते हैं आपको।
और कुछ जो हैं सर्टिफिकेट इससे हटा लिए जाते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ सर्टिफिकेट इशू नहीं हो पाएंगे। तो जैसे कि कुछ अपडेशंस होती हैं वेबसाइट में, तो अपडेट रैंडमली होती रहती हैं, जो भी चीज़ें इसमें होती हैं पहले से वो चीज़ें इसमें डिलीट कर दी जाती हैं और नई नई चीज़ों को इसमें जोड़ दिया जाता है। तो अभी हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, कहीं ना कहीं हमारा सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पर ये देखिए यूथ वाला इसमें है, ये वाला है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है यूथ प्लेज, शपथ लीजिए, टेक प्लेज। यदि शपथ पहले ही ले ली है तो वचनबद्धता का प्रमाण पत्र प्राप्त करें, यानी कि आपने शपथ पहले ले चुके हैं तो आप प्रमाण पत्र को डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप अपने ईमेल पर भेज सकते हैं। तो हमने शपथ नहीं ली है तो हम सबसे पहले शपथ लेंगे, तो यहाँ पर हम बीच में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमसे मांगी जाती है जो कि हम इसमें भर देंगे। सबसे पहले हम अपना सैल्यूटेशन भरेंगे। सैल्यूटेशन में आप मिस्टर मिसेज श्रीमती कुमारी डॉक्टर जो भी है तो आप अपना भर दीजिए। इसके बाद में आप अपना नाम भरेंगे। नाम भरने के बाद में आप इसमें सिंपली आप उसमें अपना जेंडर भरेंगे, यानी कि लिंग भरेंगे, आप अपनी जो भी अपनी डेट ऑफ बर्थ है वो भरेंगे, आप इसमें सही सही इन्फॉर्मेशन भरेंगे, आराम से भरेंगे, तसल्ली से, कोई जल्दबाजी नहीं है। जो भी 5 मिनट का टाइम आपको लगेगा वो इसी में लगेगा। इसके बाद में आप अपना पिन कोड भरेंगे, राज्य भरेंगे, जिला भरेंगे, ईमेल भरेंगे, मोबाइल नंबर भरेंगे और सबसे नीचे आप एक टिक लगाएंगे। टिक यहाँ पर ऑटोमेटिकली लगा हुआ आ जाता है। इसके बाद में भाषा चयन के लिए आगे बढ़ेंगे तो इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में शपथ पढ़िए पर क्लिक करेंगे। शपथ पढ़ने के लिए आपको पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी। लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे इंडिया इंग्लिश, तो हम यहाँ पर जिस भी लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे उसी लैंग्वेज में हमारा सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा। तो यहाँ पर हम पहले इंग्लिश चुन लेते हैं, आप चाहें तो बाद में इसको हिंदी में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शपथ पढ़िए। शपथ पढ़ने पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको शपथ मिल जाएगी। शपथ हम पढ़ते चलते हैं आपके साथ में। आई प्लेज दैट आई विल चैनलाइज माई एनर्जी एंड टैलेंट टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ, शायद ही द्वारा आ गया है, डेवलपमेंट ऑफ माई नेशन। आई विल एक्टिवली कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग। आई विल वर्क टुवर्ड्स इनोवेटिव मेथड्स टू इंक्लूसिव सॉल्यूशंस फॉर माई फेलो सिटीजन्स। आई प्लेज टू कंटिन्यू माई एफर्ट्स टू गुड थॉट, गुड वर्ड्स, गुड डीड एंड रेंडर सर्विस टू माई नेशन। मैंने शपथ ली। तो ये कोशिश करिए अपना जो राइट हैंड है उसको आगे निकाल के आप शपथ लीजिए, जिस तरीके से शपथ ली जाती है उसी जेस्चर में। तो इसके बाद में आप आगे बढ़ेंगे। प्रॉपर तरीके से करना है, ईमानदारी के साथ में, कोई भी चीज़ें स्किप नहीं करनी है। इसके बाद में हम अपना OTP कॉपी कर लेते हैं जो कि हमारे पास रिसीव हुआ है। कॉपी करने के बाद में हम यहाँ पर उसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर सबमिट करेंगे। ध्यान रखिए सभी के लिए, सभी मोबाइल नंबर्स के लिए OTP अलग होता है, यदि आप गलत OTP डालते हैं तो आपका नहीं हो पाएगा। ये देखिए आपके सामने बेहतरीन तरीके से ये सर्टिफिकेट खुल करके आया है और मैंने लाइव आपको दिखाया है किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ये मेरे नाम से इशू हुआ है और जो मैंने थंबनेल पर जो सर्टिफिकेट डाला था वो किसी दूसरे नाम से था। तो इसी तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन याद रखने वाली बात है कि एक फ़ोन नंबर पर आप एक ही सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। हो सकता है आप एक फ़ोन नंबर से हिंदी और अंग्रेजी दो वर्जन कर सकें, लेकिन सर्टिफिकेट एक ही टाइप का रहेगा। और आप यदि नाम बदलते हैं तो फिर आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी बदलनी पड़ेगी। अब यहाँ पर ये हमारे पास इस तरीके से आ जाता है जैसा मैंने आपको दिखाया था, सेम वही इंटरफेस है। तो हम इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, नीचे हम आते हैं। प्रमाण पत्र को मोबाइल पर भेजने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक लिंक आ जाएगी। लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप
के पास में JPEG फाइल डाउनलोड होने का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में प्रमाण पत्र शपथ अपने ईमेल पर भेजें, तो ये सबसे बेस्ट मेथड है। आपको अलग से अपने ईमेल पर सेव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप इस पर क्लिक कर दीजिए। ये क्लिक मैंने किया और ये लीजिए मेरे पास ये पहुंच गया है, और ऊपर देख सकते हैं आप सर्टिफिकेट सेंड लिख करके आ चुका था। और ये हम एक स्टेप पीछे ले गया है। एक स्टेप पीछे लेने के कारण क्या है कि आपने जो भी ऑप्शन चुना है उन सभी ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपने जो भी बेस्ट समझा उसको आपने चुना था। उसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस थे, उसको आप स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं किसी पर भी क्लिक करने से पहले। जो भी आपको सबसे बेस्ट लगता है उस पर आप क्लिक करिए और डाउनलोड करिए। तो अलग यदि आपका सर्टिफिकेट डिलीट हो जाता है तो उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, दोबारा इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट आप इसी थंबनेल पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके जो भी आपके सामने बटन दिख रहा है स्क्रीन पर, इस पर क्लिक करेंगे और आप दोबारा इसको OTP प्राप्त करेंगे और डाउनलोड करेंगे। बिना OTP के ये डाउनलोड नहीं हो पाता है। तो ये बेसिक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, और इस तरीके के और भी जो निःशुल्क सर्टिफिकेट होते हैं उनके बारे में बताता रहता हूँ, और भी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं उसके बारे में भी बताता रहता हूँ। साथ ही साथ यदि आपने IGOT की ट्रेनिंग नहीं करी है तो उसको आप जरूर कर लीजिए। ये वाले सर्टिफिकेट काम में आए अथवा ना आए, लेकिन जो IGOT वाली ट्रेनिंग होती है दीक्षा ऐप पर या फिर जो IGOT की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर, तो वो जरूर काम में आएगा। हो सकता है फ्यूचर में उसके जो बेनिफिट्स हैं काफ़ी सामने आए। जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, उसके दृष्टिगत देखते हुए उसके जो वेटेज मार्क्स भी मिल सकते हैं। हालांकि दोनों ये फ्री वाली ट्रेनिंग्स हैं तो आप आसानी से कर दीजिए। ट्रेनिंग और प्लेज में अंतर होता है, सॉरी मैंने ट्रेनिंग कहा, तो ये प्लेज वाला सर्टिफिकेट और वो ट्रेनिंग वाला सर्टिफिकेट, उसमें प्रॉपर आपको कोर्स करना होता है जो कि तकरीबन आधा एक घंटा का होता है, वो भी निःशुल्क, ये भी निःशुल्क। तो दोनों करिए, जितने अधिक आप सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा है, और फ्री में कर सकते हैं। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।